हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पार्ट टाइम कैसे जॉब मिलेगा। पार्ट टाइम जॉब करके आप 20 से 25 हज़ार नहीं, आपको लाखों रुपए आप कमा सकते हो। बशर्ते यह है कि आपको वहां पर मेहनत करना पड़ेगा, आपको वहां पर रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। जब तक कंपनियों में आप हाजिरी नहीं दोगे, अटेंडेंस नहीं रहेगा आपका, तो आपको सैलरी कैसे मिलेगी। उसी तरीके से मैं आज की वीडियो में जो जॉब बताने वाला हूं, यहां पे भी आपको एक्टिव रहना है। जी हां दोस्तों, अगर आप यहां पे एक्टिव रहेंगे तो श्योर है कि आप लाख रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं, महीने की इनकम कर सकते हैं घर बैठे। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं, इसी यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, यही हमारे राज्य मुंबई के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, यही भाई हैं जो घर बैठे लाखों की इनकम करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या वो इंसान नहीं है, क्या उनके दो हाथ पांव नहीं है, क्या हमारे दो हाथ पांव नहीं, हम अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले ये जो आपके अंदर डर है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो आज मैं आपको एक नई जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो कि घर बैठे आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर बैठे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, आखिर उसका तरीका क्या है, आज के इस वीडियो में पूरा मैं खोल के रखने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं। आखिर लोग कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा पाएंगे, है ना। आपके सामने जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं, इसरार ऑफिशियल चैनल। मेरे दो चैनल है यूट्यूब पे, इसरार ऑफिशियल, इसरार ए टू जेड। आपने कभी सोचा है कितने बड़े बड़े यूट्यूबर क्यों यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इसका रीजन क्या है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूट्यूब से वो अर्निंग करते हैं। अर्निंग जो करते हैं उसको पार्ट टाइम करते हैं, उसको पार्ट टाइम कहते हैं। अगर आप रेगुलर अपडेट रेगुलर रहोगे तो फुल टाइम आपका होगा। स्टार्टिंग पहले आप पार्ट टाइम से करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देना चाहता हूं, गरीब एमएस ब्लॉग आप सभी लोग जानते होंगे, मुकेश चाहनी, जो कि ये कानपुर देहात का रहने वाला ये लड़का है, अयोध्या के साइड बस्ती का रहने वाला है, हाँ बस्ती का रहने वाला है ये लड़का। खैर लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क उससे पड़ता है कि लड़के ने क्या काम किया। उसके पास 6,000 का फोन था, रेडमी 6A करके, उससे वो वीडियो शूट करता था। मैं भी गया था उससे मिल के आया। अब वो क्या करता है, वीडियो ही प्रॉपर वो शूट करता है और वो अपने पर डे रूटीन दिखाता है, वो क्या काम करता है, ब्लॉगिंग करता है। वो पार्ट टाइम जॉब करता है, घर पे बैठे काम करता है। महीने की उसकी इनकम 2 से 3 लाख रुपए पर महीने की इनकम है। आप सभी लोग जानते होंगे, आप वाकिफ होंगे, तो क्या उस काम को हम पार्ट टाइम जॉब नहीं कह सकते। अगर घर बैठ के जिस काम को किया जाए उस काम को पार्ट टाइम करते हैं। बात यहीं नहीं खत्म होती, बात यहां से शुरू होती है। अभी आप सभी को पता होगा कच्चा बादाम, चाचा ओमफो चाचा, ये सब क्या थे, कच्चा बादाम बंगाल के रहने वाला एक मामूली सा शख्स था जिन्होंने अपनी करियर की स्टार्ट जो करी वो मूंगफली बेचते हुए करी है। आज जो मूंगफली बिकती है उस पर उसकी पोस्टर लगी होती है। उसका रीजन क्या है, सोशल मीडिया। उसका रीजन ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे रातों रात लोग जीरो से हीरो हो सकते हैं। ये देखो आप, इसलिए मैंने ये कैप लिया है, जीरो से हीरो आदमी हो सकता है। उस काम को भी हम पार्ट टाइम जॉब कह सकते हैं। आज कच्चे बादाम की जो इनकम है 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की है। बात यही नहीं खत्म होती दोस्तों, ओमफो चाचा संभल के रहने वाले हैं, हापुड़ के पास संभल के रहने वाले हैं। इनकी जो स्टार्टिंग थी ये भी घूम घूम के वो ओमफो करके वो फर्राटे काट रही घर्राटे काट रही है वो बेचते थे, घुमाने वाला चक्री टाइप का, 10 रुपए 5 रुपए। उनके लाइफ ने इस तरीके से करवट ली कि रातों रात वो वायरल हो गए। जिस वजह से वो वायरल हुए थे वो था उनका डायलॉग, ले भैया धर्राटे काट रही है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होती है, कुछ ना कुछ काम करने की इच्छा होती है। सबसे पहले तो बेरोजगार है वो, बेरोजगार होने के बाद अगर वो कुछ काम करना चाहता है पार्ट टाइम, तो भाई साहब मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो यूट्यूब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, वो काम करे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, अपने हुनर को दिखाए। आपको पता है जब से टिकटॉक आई है कितने लोगों को ये समझो कि महल बन गए, कितनों के जो गरीब थे वो अमीर हो गए। हमने चीजों को समझी है, हमने चीजों को जाना है ना। अब लोग हीरो हीरोइन को कम देख रहे हैं लेकिन जो रील्स पे वीडियो बना रहे उनको ज्यादा देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक वीडियो से स्टार्ट किया अपना जर्नी शिवानी कुमारी ऑफिशियल, कानपुर के रहने वाली है, दिव्यापुर की आप सभी लोग जानते होंगे। ये एक छोटे घर से बिलोंग करती है, इनके यहां एक साइकिल नहीं था कि साइकिल के ऊपर गैस सिलेंडर रख के लेके जाके गैस सिलेंडर लाया जाए।
ये भी नहीं था, लोगों से मांगते थे साइकिल, उसके बाद जाते थे तब सिलेंडर ला के, उसके बाद फिर खाना बनता था, ये स्थिति थी वहां की। लेकिन आज के डेट की अगर हम बात करें तो उसके घर की जो इनकम होती है वो तकरीबन 3 से 4 लाख होती है। मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं, मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, किसके लिए? आप सभी के बदौलत, आप सभी ने साथ दिया। तो ये बताओ, जब आप सभी का साथ दे रहे हैं तो क्या आपका कोई साथ नहीं देगा? देखो यार, अगर ये है ना फोन रखा हुआ है, अगर हम इस फोन को बिना छुए अगर हम हिला सकते हैं तो बताओ? नहीं हिला सकते, ना ही इसको हम टच कर सकते हैं। अब हम सोचे कि इस फोन को यहां से उठा के यहां रख दें तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं कुछ होगा नहीं, सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा हमें, हमें और आपको करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। जैसे कि ये मान लीजिए फोन है, अब हमने इसको उठाया तभी इसको हमने मेरे हाथ में आई, अदरवाइज अगर ये हाथ में नहीं आती, अगर हम इसको नहीं उठाते तो ये हाथ में नहीं आती। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। अब और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि देखिए मेहनत तो है, और अगर जो भी गर्ल्स जो भी लड़कियां अगर वो कहती हैं कि हमें पार्ट टाइम जॉब करना है तो वो अपने घर में बैठ के पार्ट टाइम जॉब कर सकती है, कोई ऐसा इशू दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अरसी सैफी, ये दिल्ली की रहने वाली एक लड़की है जो कि इसके भी घर में कुछ नहीं था, और आज 1.5-2 लाख रुपए के आईफोन मोबाइल ली जा रही है। तो ये किसकी पावर है? ये यूट्यूब की पावर है, ये सोशल मीडिया की पावर है। तो जागो, उठो, जो भी हमारे भाई के अंदर हुनर है दिखा दो। सब के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होती है, कभी भी अपने हुनर को छुपाना नहीं चाहिए। आप लड़की हैं, ब्लॉगिंग आप घर में रेसिपी का काम करें, ब्लॉगिंग घर में करें। बहुत सारी लड़कियां यूट्यूब पे हैं, आप सभी लोग देखते भी होंगे, उनको फॉलो भी करते होंगे। आपके अंदर ब्लॉगिंग करने का शौक है तो आप ब्लॉगिंग करें, आपके अंदर कुछ और हुनर है तो वो हुनर करें घर में बैठे। और जो लड़के हैं वो अपना दिमाग लगाते रहे, न्यूज़ के ऊपर काम करते रहे, है ना, अपना जो कि अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आता है उस पर वीडियो बनाते रहे, बड़े बड़े लोगों से मिले, नए नए चीज़ें करने की कोशिश करें। जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होता रहेगा लाइफ के अंदर, वैसे वैसे आपकी चेंजिंग होती रहेगी, सैलरी आपका बढ़ता रहेगा। अर्षी सैफी की अगर हम बात करें, उनकी भी सैलरी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपये पर महीने की इनकम है, उनके भी मिलियन ऑफ व्यूज़ हैं, मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। मनोज दे कौन थे? आप सभी को पता होगा, उनकी वीडियो देखते हो, टेक्निकल वीडियो बनाते हैं मनोज दे। उनके जो पापा थे, उनके पापा की जो साइकिल की दुकान थी, पंचर वगैरह बनाते थे भाई, साइकिल तक उनके घर में नहीं थी जबकि वो साइकिल का काम करते थे। आज लग्जरी लाइफ है और लग्जरी कार है उनके पास, तो वो भी तो पार्ट टाइम जॉब करते थे यार, हा? तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? हम और आप 1 लाख रुपए क्यों नहीं कमा सकते? हम और आप 2 लाख रुपए महीने क्यों नहीं कमा सकते? जब करेंगे जब ही तो कमाएंगे। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया, जब हम इसको टच करेंगे जब ये हमारे हाथ में आएगा, अदरवाइज ये रखा हुआ है और हम कह दें कि यार ये हम हाथ में लेना चाहते हैं, तो देखने से नहीं होगा भाई, करने से होगा। जब तक हम नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला, सोचते सोचते पूरी लाइफ निकल जाती है। मैं ही यार, मेरी ही उम्र इतनी हो गई सोचते सोचते, लेकिन आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, हालांकि अभी तो मैं जीरो हूँ, मैं हीरो बनना चाह रहा हूँ। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे कोई भी जीरो से हीरो नहीं बन सकता। और एक बात मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप रातों रात वायरल हो सकते हो, रातों रात आप लाखों रुपए की इनकम कर सकते हो मेरे भाई। जागो, उठो, अगर आपके अंदर काम करने की क्षमता है, आप घर बैठे काम करना चाहते हो, इनकम करना चाहते हो, तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। आपको पता है ना, नौकरी आदमी कब तक करेगा? हालांकि नौकरी ठीक है करना, लेकिन पार्ट टाइम आप ये भी स्टार्ट करो। बहुत सारे हमारे ऐसे नोएडा दिल्ली एनसीआर में भाई जो जॉब भी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं ये यूट्यूब पे। उन्हें पता है ना कि यूट्यूब क्या चीज है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप जागो, उठो, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लाखों रुपए इनकम कर सकते हो, फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लाखों रुपए इनकम कर सकते हो पर महीने के हिसाब से। बस आपको सीखना पड़ेगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप लोग कमेंट्स करोगे कि इसरार भाई हम पूरा यूट्यूब के बारे में सीखना चाहते हैं, यूट्यूब है क्या, काम कैसे करता है, पैसे कैसे आते हैं, फेसबुक से पैसे कैसे कमाई की जाती है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज जो आपके अंदर हुनर है आप यूट्यूब पे दिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग नाचो, आप लोग गाओ, ये हुनर नहीं होगा। एक हुनर होता है लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना, जो मैं बोलूं वो लोग सुने। आपके अंदर वो दम होना चाहिए, आपके अंदर वो पावर होना चाहिए। देखिए हर चीज वो नहीं होता। देखिए आप कुछ लड़कियां ऐसे होती है घर की जिनके माँ बाप ये कहते हैं कि नहीं चेहरा दिखा के वीडियो मत बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारे बहनें, जो हमारे माताएं बहनें हमारी वीडियो देख रही हैं, अगर वही माताएं बहनें नौकरी करेंगी कंपनियों में जाके, तब उनका फेस नहीं दिखेगा? जस्ट थिंक सोचो आप। तो इस चीज से मैं पहल करना चाह रहा हूं भाई, कुछ नहीं होता, बस सोच, लोगों की सोच होनी चाहिए, है ना।
तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यूट्यूब के बारे में भी बताना शुरू करूँ, फेसबुक के बारे में बताना शुरू करूँ, कैसे पैसे कमाई की जाती है, हालांकि यूट्यूब पे तो बहुत लंबे समय से हूँ मैं, तो एक तरीके से हर चीज़ की मुझे नॉलेज है, किस तरीके से शुरू से लेके एंड तक बैंक अकाउंट लगाना, चैनल बनाने से लेके पैसे कमाने तक का जो सफर होता है, सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में एक नए नौकरी से, रखिएगा अपना ख्याल नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।